नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। उपेंद्र कुशवाहा पर जिस तरीके से लाठी चार्ज हुई थी, बीते 2 तारीख की ये बात है, 2 फरवरी के दिन उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा सुधार अभियान को लेकर के सड़कों पर उतरे थे। उस दौरान उन पर लाठी चार्ज हुआ था और उसके बाद उन पर ही केस मुकदमे की जो आँच है वो आ गई थी। आज कोतवाली थाना में वो अपने सभी समर्थकों के साथ पहुँचे। एक तरफ जहाँ उपेंद्र कुशवाहा DSP के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक थाने के परिसर में ही बैठकर नारेबाजी कर रहे थे। जब हमने उन समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश की है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है अपना पक्ष रखते हुए, जरा सुनिएगा। अभी 2 दिन पहले जब हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, बिहार की जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी से 25 सूत्री मांग लेकर के महामहिम को देने जा रहे थे। उस दौरान बिहार के जो पुलिस कर्मी हैं, हम लोगों पे हमला किए। एक साजिश के तहत माननीय मंत्री जी की हत्या करने की साजिश की गई और उसके बाद हम लोगों पे ही उल्टा मुकदमा किया गया, जिसमें 2 लोग का नाम है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ साथ 250 लोगों का अज्ञात में। हम लोग अज्ञात नहीं हैं, हम लोग सारे लोग ज्ञात हैं। वहाँ भी कैमरा लगा हुआ था, सारे मीडिया कर्मी थे, सब लोग थे। हम लोग अपनी गिरफ्तारी देने आए हैं कि या तो हम लोग को गिरफ्तार कीजिए अगर हम लोगों ने गलती की है, या आप झूठी मुकदमा जो दायर किए हैं, आप मुकदमा जो झूठी दायर किए इसे वापस लें। आगे की क्या कार्रवाई है? आगे की कार्रवाई है कि या तो मुकदमा वापस लिया जाए या तो फिर हमें गिरफ्तार किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो आगे फिर हम लोग इसको पूरी तरह से आंदोलन के रूप में देखेंगे, करेंगे। अभी आप धरने पे बैठी हैं यहाँ, तो क्या कब तक बैठेंगे आप यहाँ? अभी जिस तरह से देखते हैं कि अभी अंदर में उन लोग क्या करते हैं, गिरफ्तारी लेते हैं या तो फिर मुकदमा वापस लेते हैं। अगर जब तक नहीं होता जब तक हम लोग बैठेंगे यहाँ पे। एक तरफ मतलब कि जब तक आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम नोटिस नहीं लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा को। नोटिस वो नहीं लेते हैं तो जनता तो लेती है ना, जनता तो देख रही है ना कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने किस लिए, आप उस दिन जो मार्च हमारा था उपेंद्र कुशवाहा जी ने किस लिए किया, बिहार के गरीब बच्चों की सही शिक्षा मिले इसके लिए हमारा आंदोलन है, न कि किसी और चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोला भी कि जो हमारी 25 सूत्री मांग है उसे पूरा कर दें, हम आज का आज आंदोलन बंद कर देते हैं। जो आज उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सिर्फ गरीब बच्चों के लिए काम कर रही है, गरीब बच्चों के लिए मांग रही है, सरकारी स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था ठप हो चुकी है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर से केस कर रहे हैं, तो हम लोग तो बोल रहे हैं हम लोग उस दिन 25 सूत्र मांग रखने के लिए महामहिम जी के पास जा रहे थे और ऊपर एक साजिश करते हैं। साजिश के तहत हमारे मंत्री जी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को आप लाठी चार्ज करवाते हैं, कार्यकर्ता पे लाठी चार्ज करवाते हैं, ऊपर से हम लोग पे केस भी करते हैं। तो केस करते हैं तो ठीक है, केस कीजिए, हम लोग ज्ञात लोग हैं, हमें अंदर कीजिए, लीजिए, आप हम लोग आए हैं सब लोग अपना गिरफ्तारी देने के लिए, गिरफ्तार कीजिए, या तो आप कहिए कि हमने झूठा केस किया था और केस वापस लीजिए, हमारा यही मांग है। आपने सुना बयानों के माध्यम से रालोसपा के जितने कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ साफ ये आरोप लगा दिया गया है कि हत्या करने की साजिश की गई थी। जब हमने उनसे एक सवाल पूछा कि जदयू के लोग ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू नोटिस नहीं करती है, तो उनका भी साफ साफ ये कहना था कि उपेंद्र कुशवाहा भी कभी किसी को नोटिस नहीं करते हैं, जनता ही उपेंद्र कुशवाहा को लगातार नोटिस कर रही है और जनता का जो समर्थन है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। आने वाले चुनाव में जिस तरीके से नागमणि कुशवाहा द्वारा दावा किया गया है कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा 1 सीट भी नहीं मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा को, क्या ये बात सच होने जा रहा है? एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने में जाकर के हल्ला बोलते हैं सरकार के खिलाफ और कहते हैं कि मनमानी नहीं चलने देंगे, आगे भी आंदोलन जारी रहेगा, क्या उनके जो कार्यकर्ता हैं जिनके दिल में बसे हुए उपेंद्र कुशवाहा, क्या इन कार्यकर्ताओं के बल से ही उपेंद्र कुशवाहा आने वाले चुनाव में अपना दम दिखाएंगे? इन तमाम खबरों के लिए आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, उम्मीद है आने वाले दिनों में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा है, ये दावा किया है कि और आंदोलन आगे भी बढ़ेगा, ये सभी कार्यकर्ता उनके आंदोलनों में साथ जरूर दिखेंगे और उस वक्त क्या कुछ कहेंगे उससे भी लाइव स्ट्रीम जरूर आप रूबरू कराएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट livecities.in पर बने रहें। धन्यवाद।